सारे भाइयों राम राम। आप सभी का स्वागत है दर चर्चा न्यूज़ और स्पोर्ट्स लाइव में। आज हम पहुंचे हैं रिंडाणा गांव में, जहां हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं हरियाणा के स्टार खिलाड़ी, जिनको डुबकी किंग के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के स्टार खिलाड़ी से आज हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने खेल के द्वारा ना केवल अपने गांव का बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश का नाम पूरे देश भर में नहीं, सिर्फ देश भर में नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फहराया है। तो मैं आप सभी का परिचय करवाना चाहता हूँ डुबकी किंग से, हरियाणा के डुबकी किंग से, जिन्होंने अपने गाँव का नाम पूरे प्रदेश में चमकाया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। एक बार हमारे सभी दर्शकों को राम राम कर दीजिए। राम राम भाई। तो आपको डुबकी किंग के नाम से जाना जाता है, ये नाम क्यों पड़ा आपका? क्योंकि मैं जहाँ प्रो कबड्डी होती है वहाँ मैं डुबकी लगाता हूँ। अच्छा, डुबकी लगाता हूँ। तो आपका रियल नेम क्या है, पूरा नाम क्या है? प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल। तो ये डुबकी किंग का नाम आपको कब से दिया गया? ये जब मैं प्रो कबड्डी में खेलता हूँ। ओके, ओके। जब मैं वहाँ डुबकी लगाता हूँ, इसलिए मेरे को डुबकी किंग का नाम दिया। अच्छा अच्छा। तो आपकी शुरुआत कब हुई कबड्डी के खेल में? कबड्डी खेल में मैं बचपन से खेलता हूँ, 8-9 साल जब से खेलता हूँ जी। तो इस खेल की आपने प्रेरणा किससे मिली, आपका गुरु कौन रहे? मेरा गुरु नरेश नरवाल है। तो गांव से ही है या कहीं? हाँ, गांव से ही है। तो आपकी शुरुआत जो खेल की हुई वो गांव से? हाँ, गांव से हुई। तो जब आप इस खेल की शुरुआत कर रहे थे, इस खेल में जुड़े आप, तो आपके घर वालों का क्या सहयोग रहा? पूरा सहयोग था या फिर स्टार्टिंग में नून लाग जा रहा भाई कितना जान लाग गया छोरा पढ़ लिख लेता बढ़िया था? नहीं भैया, मेरा अंकल भी कबड्डी प्लेयर है। अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरा पापा भी खेलता था। ओके, तो फैमिली तो पूरी फैमिली से? हाँ, मतलब गाँव में एक हिसाब से लगा सकते हो कि उपज फसलें खिलाड़िया की है पूरी। हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कम से कम 500 बच्चे खेलते हैं डेली के। अच्छा, गाँव में। हाँ जी। तो एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो कबड्डी का ये खेल है, जिसमें आप अभी फ़िलहाल किस टीम की तरफ से? पटना की तरफ? हाँ, से पटना की तरफ से। तो कितने साल से पटना की तरफ से? मैं, मेरे को बोलिए भाई, 4-5 सीजन हो गए पटना की टीम से खेलते हैं। पटना की टीम से? हाँ, 5 सीजन। तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है इस प्रो कबड्डी में? पटना की टीम है भाई, मैं 5 साल से इसमें खेल रहा हूँ, तो फेवरेट तो वही होगी। तो ऐसा कोई कांटे की टक्कर आपको ऐसा लगा होगी भाई फलानी टीम तो कसूती है, उनकी गेल तो टक्कर लेने में कहती है, एक बार तो पसीने आ जाए भाई? जो 12 की 12 टीम है कांटेदारी है, कोई किसी की टीम नहीं। फिर आपका कोई ऐसा स्टार वो रहा हो कि भाई आपकी जो पसंदीदा एक कैस का कि भाई फलाना जो रेडर है मेरा पसंदीदा रेडर है या फलाना रेडर? भाई बहुत हैं, क्योंकि एक पवन है, सराउत नवीन है, सिद्धार्थ देसाई, बहुत हैं खिलाड़ी। तो कैचर कौन सा आपका ऐसा फेवरेट है? कई हैं, जैसे कि प्रवेश महसवाल है, एक सुनील है, मनजीत है जी। तो ये आपके पसंदीदा कैचर में से? जैसे आपने तो कबड्डी में पूरे खाली अपने हरियाणा प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम आपने कबड्डी में चमकाया है, तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने सभी जगह घूम के देखा होगा कि भाई किस किस तरीके की कैसे कैसे गेम हो रहे हैं सब जगह, तो अपने जो हरियाणा की कबड्डी है और पूरे अगले जो दूसरे राज्य हैं उनकी कबड्डी, दोनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि हरियाणा ये 70% हरियाणा ही खेलते हैं कबड्डी प्ले, ज़्यादातर फिर महाराष्ट्र के हैं जी। तो ज़्यादातर तो हरियाणा में, हमारे हरियाणा अच्छे खेलते हैं, वो तो हरियाणा खेलते हैं, सभी अच्छे खेलते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। अपना पड़ोसी राज्य है पंजाब, पंजाब और हरियाणा की इन कहें अच्छी खासी टक्कर हो, सारी जगह बढ़िया पहलवान है जो खेलने के हैं, तो आपने पंजाब की साइड आप कभी खेले हो? हाँ, टूर्नामेंट खेलते हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। तो पंजाब, पंजाब में हैं 3-4 प्लेयर हैं, जैसे मनिंदर है, रण सिंह है, ये छोटी कबड्डी खेलते हैं पंजाब में, ज़्यादातर तो लंबी कबड्डी खेलते हैं। अच्छा अच्छा। तो पंजाब की और हरियाणा की कुछ ऐसा आपको सुविधाओं में कुछ फर्क लगता है कि पंजाब में कुछ अलग से सुविधाएं हैं? नहीं, वैसे सुविधा कोई ऐसी नहीं है, वो ज़्यादातर लंबी कबड्डी ज़्यादा खेलते हैं, हम छोटी खेलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे सरकार का खिलाड़ियों के लिए क्या सहयोग रहता है, सरकार कुछ सहयोग करती है खिलाड़ियों को उनके खेल में उनकी प्रैक्टिस के दौरान? नहीं, प्रैक्टिस के दौरान कुछ नहीं करती, प्रैक्टिस तो अपने खुद ही करनी पड़ती है। फिर सुविधाओं में कुछ सरकार? हाँ, सुविधा तो ये होता है कि अब हॉल बनवा दिया स्टेडियम में कहीं, ये सुविधा होती है, दे दो सरकार।
जी, तो रोजगार में कुछ सहायता कर रही है सरकार की भी, खिलाड़ियों को कुछ रोजगार मिल रहे हो? नहीं भैया, अभी तक कुछ नहीं कर रही। पहले किसी सरकार का ऐसा रहा हो कि भी? हाँ, पहले सरकार जैसे कांग्रेस थी वो देती थी। अच्छा अच्छा, नौकरियाँ देती थी, इंटरनेशनल खेल का था जो उस नौकरियाँ देती थी, जो ये सरकार अभी तक किसी को दी नहीं। तो आप अपनी अकेडमी भी चलाते हो? अकेडमी कितने साल से? नहीं भैया, मैं नहीं चलाता, क्योंकि मेरा जो गुरु है वो अच्छा, चलाता है। अच्छा, 3-4 साल हो गए इसको चलती। तो जैसे आप भी यहाँ पे खेलते हो? हाँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ भैया। प्रैक्टिस कराते हो, तो यहाँ पे किस किस राज्य से अपने हैं बच्चे जो खिलाड़ी? हर एक राज्य से है, क्योंकि यहाँ पंजाब से भी हैं, हरियाणा से, यूपी से हैं, राजस्थान से, महाराष्ट्र से भी हैं, हर एक जगह से भी। अकेडमी जो अपनी जो अकेडमी है वो किस नाम से है जहाँ पे? नरवाल स्पोर्ट्स अकेडमी। नरवाल स्पोर्ट्स अकेडमी, तो ठीक है। तो यहाँ का थोड़ा सा मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे चैनल के साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़े हैं जो खेल के जगत से संपर्क रखते हैं, कुछ ना कुछ कनेक्शन उनका है, या फिर ऐसे बहुत से हैं जो मतलब सीखना चाहते हैं और हमारे चैनल को देखते हैं, तो उसके दौरान वो बहुत से इंटरव्यू देखते हैं। तो मैं थोड़ी सी एक बात और उनकी जानकारी के लिए, ताकि उन तक बात पहुंचे, मैं पूछना चाहूंगा कि भी अकेडमी में जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या है, और किस तरीके से मतलब वो अगर कांटेक्ट करना चाहे तो क्या उनका प्रोसेस रहता है? भैया, जैसे कि अकेडमी जो ज्वाइन करनी है, फ़ोन नंबर है इस पर, जैसे गूगल पे देखोगे तो उस पर भी मिल जाएंगे। जी, तो उसे कोच से कॉन्टेक्ट करे, मैनेजर से करे। तो उनको सुविधाएँ क्या है यहाँ पे? जो सुविधा होती है सभी सुविधाएँ, रहने खाने की। हाँ, रहने खाने की, प्रैक्टिस की। हाँ, एक और ज़रूरी सवाल आपसे जो आज के टाइम पे थोड़ा सा ज़रूरी होगा, जैसे एकेडमी भी है, एकेडमी बहुत जगह पे खुल गई है, तो ऐसा मतलब होता है कि भाई कुछ एक बच्चों का ये मानना रहता है कि भाई एकेडमी में जाना ज़्यादा ज़रूरी है, या कहीं ये सोचते ना गांव में अपना मेहनत करके हो जाओगा, तो थोड़ा सा एक डाउट सा जो आने वाले जो नई प्योध है अपनी, उनके मन में थोड़ा डाउट सा रहा है, तो डाउट मैं आपसे क्लियर करवाना चाहूँगा कि क्या ज़रूरी है, या फिर किसी अपने गाँव में किसी गुरु के अंडर काम करके किया जा सके? नहीं भैया, जैसे गाँव में हमारा जैसे गाँव है, हमारे गांव में एकेडमी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे गांव में इतने प्लेयर हैं, प्रो कबड्डी में कम से कम 30 प्लेयर हैं हमारे गांव के, अकेले गांव के। तो वहाँ इतने जो हमारे वो सीनियर हो जाते हैं, जो नौकरी जॉब नहीं कर पाते, वो खिलाने लग जाते हैं। ये वो जैसे गांव हमारे वो पीछे स्टेडियम देखा हुआ, उसमें कोई 300-400 बच्चे खेलते होंगे। गाँव ऐसे गाँव में कोई जरूरत नहीं, जैसे कोई गाँव में नहीं खिला रहा, कोई एक आधा बच्चा खेल रहा है, उसको तो अकेडमी बहुत जरूरत है। जैसे कोई गांव में और भी गांव है, कथूरा है, ये और गांव, इनमें कोई जरूरत नहीं है अकेडमी को जाने की, क्योंकि गांव में खिला रहे हैं तो पैसे लगाने की क्या जरूरत है? कोई लड़का एक आधा है गांव से निकल रहा है तो उसको अकेडमी की जरूरत है। एक और जरूरी सवाल की जो ना आजकल के टाइम में खेला में बहुत से बालक नशा का उपयोग करने लगे, टीके टाके लाने लग गए हैं, तो कितना आप उसने मान लो कि भाई प्रयोग करने चाहिए या गलत, आगे जाके शरीर ने नुकसान नहीं? भैया, हमारी जो कबड्डी है उसमें इतना टीका नहीं चलता। जी, उसमें डोप होता है हमारे, जैसे वो लंबी कबड्डी उसमें डोपिंग नहीं होती, हमारे में डोप होता है, हमारे में नहीं चलता ये छोटी कबड्डी में। तो एक खिलाड़ी के तौर पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कबड्डी के नियमों में पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले काफ़ी बदलाव आता चला गया, धीरे धीरे करके काफ़ी बदलाव आ रहा है, तो अभी की जो फिलहाल अपना जो रूल रेगुलेशन चल रही है, आप एक खिलाड़ी के तौर पे क्या समझते हो कि भाई उसके अंदर कुछ और बदलाव ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से कबड्डी एक और बड़ा लेवल अचीव कर सके? भाई, पहले तो ताकत की हुआ थी कबड्डी, अब टेक्निकल की कबड्डी हो रही है जी ज़्यादातर है। पहले तो वो ठाडे ठाडे होते थे, जान भी बहुत होती थी, वो जान की तरफ खेलते थे, तो वेट भी लागू कर रखा है, सारी चीज़ें लागू हो रही हैं, तो फुर्ती कबड्डी रह रही है टेक्निकल की। तो आपको कुछ लगता है कि उसमें और कुछ सुधार की गुंजाइश है? हाँ, सुधार तो कितना भी कर लो वही कम है भैया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो एक और मैं सवाल जानना चाहूँगा कि जो फिलहाल आने वाले टाइम पे जो नई प्योध तैयार हो रही है, वो बहुत से ऐसे हमारे चैनल के साथ भी जुड़े हुए हैं जो अपने अपना भविष्य कबड्डी के अंदर देखते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि किस प्रकार से अपनी तैयारी करो ताकि इस खेल में आप अपने अपना दमखम बढ़िया तरीके से दिखा सको? भाई, जो भी जहाँ भी प्रैक्टिस करता है, जो खिलाता है उसको अपना गुरु मान के उसे पूरी वो ले, ज्ञान ले, तो वही चाहे उससे आगे वही से आगे वहीं से आगे बढ़ेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल, यही है जी। प्रदीप जी, अभी जो पीछे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जो आपका पीछे कैश वार्ड रुका हुआ था, उसको लेके कुछ सोल्यूशन निकला हो या सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन? नहीं भाई, अभी तक ऐसे की ऐसे हो, तो उसका कोई समाधान नहीं निकला, कोई समाधान नहीं हुआ जी। तो एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई जो
कबड्डी को लेके ऐसा सुनने में आता है कि जो नए नए खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं तो बहुत से इस तरीके का होता है कि भाई अपने हरियाणा से ना खेलना पसंद करके ये सोचते हैं कि भाई दूसरे राज्यों में जहां उनको मौके मिल रहे हैं वहां से आगे की आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो आप कितना समझते हो कि भाई अपने प्रदेश को करना चाहिए या जहां से मौका मिले कोई दिक्कत नहीं है उसमें कर लेना चाहिए? करना चाहिए अपने प्रदेश के लिए। इतने प्लेयर एक प्रदेश से खेल नहीं सकते, 12 ही प्लेयर खेलेंगे अपने प्रदेश से, तो वो अपना अपना दमखम दिखाने के लिए कहीं बाहर से खेल गए अपने दिखाएंगे ना, जैसे कि नेशनल में गए, नेशनल में प्रो में जाना गया, सभी ये सोचते हैं हम प्रो में जाएं, तो कहीं से भी जा खेल के जा सकता है प्रो में, ऐसी कोई बात नहीं। तो प्रो कबड्डी का जो लीग आई है इसके आने से आपको क्या लगता है कि खिलाड़ियों के लिए कितना फायदा हुआ है? इससे प्रो के आने के बाद फायदा फायदा हुआ, नुकसान तो किसी को है नहीं। पहले तो मैट कुछ नहीं थे, मिट्टी भी खेलते थे बस वहाँ तक थी, अब तो मैट की बहुत सुविधा हो रही है, बच्चों को पैसे मिलते हैं, टीवी भी देखते हैं, इमेज भी बनती है, बहुत कुछ बदल दिया भैया प्रो कबड्डी आने बात। तो एक खिलाड़ी के तौर पे मतलब जो भी आपको लगता है कि सरकार खिलाड़ियों खातर नहीं कर रही है कुछ जो काम सर खिलाड़ियों के लिए होने चाहिए, तो मैं हमारे चैनल के थ्रू मैं चाहूँगा कि आप सरकार से गुजारिश करो या सरकार से एक आप कहो कि भाई जो सुविधाएं सर उनको मिलनी चाहिए। एक खिलाड़ी के तौर पर आप ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझते हो कि क्या क्या सुविधाओं की कमी आप लोगों को खलती है और वो आपको सरकार से सहायता मिलनी चाहिए, तो हम चाहूँगा कि हमारे चैनल के थ्रू आप सरकार को। नहीं भैया, जो सरकार ने पॉलिसी बना रखी है वो ही पॉलिसी करते रहो पूरी, वही काफ़ी है। सरकार ने जो पॉलिसी बना दी हरियाणा के प्लेयरों के लिए, तो वही पॉलिसी अपनी निभाते रहो पूरा, वही बहुत काफ़ी है जी। एक और सवाल, जैसे नेशनल कबड्डी तो अच्छे तरीके से हरियाणा का बहुत टॉप का गेम है और सबसे ज़्यादा पसंदीदा गेम है, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला गेम है। एक जैसे सर्कल कबड्डी का हुआ कि वो नेशनल से उसको बाहर कर दिया गया, वो आप कबड्डी जुड़ा तो एक ही हुआ है, एक ही खेल है, थोड़ा बहुत उसके रूल रेगुलेशन थोड़ा अलग हैं बस, तो मैं यही जानना चाहूँगा कि जो सर्कल कबड्डी को नेशनल से निकालना वो आप कितना सही समझते हो, वो सही कदम है या गलत है? भैया इस बारे में हमें ज्ञान नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा देखते भी नहीं जी। हमें वो तो यार सरकार के ऊपर बात होती है, कमेटी होती है उसके ऊपर बात होती है, हम तो इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते जी। तो मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि कमेटी को या जो फेडरेशन होती हैं उनको आप कुछ सुझाव देना चाहो कि भाई जो आने वाले खिलाड़ी हैं जो या फिलहाल के टाइम जो खिलाड़ी काम कर रहे हैं खेल रहे हैं अपने प्रदेश की तरफ से देश की तरफ से, तो उनके लिए उनको क्या अलग से और सुविधाएँ मुहैया करवानी चाहिए? नहीं भैया, सुविधा की कोई जरूरत नहीं, जो अपने प्रदेश से खेलता है वो प्रदेश की जो सुविधा है वो पूरी कर दो उन बच्चों को, यही है हमारी सुविधा। और जो ये जिस तरीके का आप लोगों के साथ होया कि भाई जो कैश अवार्ड था आपका नहीं आया, तो वो इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं हौसला तो तोड़ती हैं? हाँ बिल्कुल तोड़ती है भाई, खिलाड़ी का जो इतना अच्छा खिलाड़ी कर रहा है उसको कैश अवार्ड है जैसे कि पैसे हैं वो मिल नहीं रहे दो, उसका हौसला डाउन जाता ही है, वो सोचता कि यार कुछ नहीं कबड्डी खेलने में तो पैसे तो मिलते नहीं जो सरकार ने अपने बना रखी है पॉलिसी, वो तो दे नहीं रही, तो फिर क्या फायदा आड़ तोड़वाने का अपने। बिल्कुल, एक ऐसा भी मतलब होता है कि भाई खेल जब नौकरी मिलने के बाद खिलाड़ी बहुत से खिलाड़ी ऐसा होता है कि खेल छोड़ देते हैं, है ना, तो खेलना बंद कर दिया तो अपना नौकरी धंधे में ही अपना लग गए, तो वो आप कितना सही समझते हो कि नौकरी मिलने के बाद इस तरीके का भी खेल को छोड़ देना या सही है या गलत है? क्या जो स्पोस्ट लगता है तो नहीं छोड़ता, जैसे कि वो नॉर्मल पढ़ाई लिखाई से लगता है वो तो अपना खेलता ही नहीं, तो जो स्पोर्ट्स से लगता है वो खेलता ही रहता है, क्यों वो सोचता कि क्या पता मैं बढ़िया खेल के मैं प्रो में चांस मिल जाए मेरे को, बस यही नाम हो जाए उसका। तो आपका ऐसा कोई यादगार मैच रहा हो कि भी जिसमें आपको आपकी जब कबड्डी की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे छोटी छोटी अचीवमेंट मिलनी शुरू हुई, उसके बाद बड़ी अचीवमेंट की तरफ आप बढ़े, तो कोई ऐसा खेल ऐसा कोई आपका मैच रहा हो जिसको आप अभी तक यादगार है कि भी उस मैच में मैंने पूरा आनंद आ गया था जब मैं खेल गया? नहीं भाई ऐसा कोई नहीं, बहुत काफ़ी मैच खेले हैं, जैसे गाँव में टूर्नामेंट होते हैं बहुत खेले हैं, बहुत इनाम भी मिले हैं, जैसे शाम को आते थे घर खुश हो गए थे, पैसे मिल जाते थे छोटे छोटे से, तो पैसे मिल जाते थे वही बहुत था, ये कोई ऐसा कोई यादगार मैच नहीं। तो प्रो कबड्डी में तो है कोई मैच याद, क्योंकि एक रेड में मैंने 8 पॉइंट लेगा था, मैं पूरी टीम ऑल आउट करी थी उसी मैच में, ज़्यादा स्कोर बना था 34 पॉइंट बनाए थे मैंने सबसे ज़्यादा, यही है। तो शादी हो चुकी है आपकी? हाँ भैया शादी हो चुकी है। तो शादी होने से पहले का जो गेम था और शादी होने के बाद का जो गेम है आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव उसमें आया है? नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, अपनी प्रैक्टिस करो पहले करते हैं ऐसी प्रैक्टिस करो, कोई बदलाव नहीं आया, ऐसी कोई बात नहीं, शादी तो सभी होती है, जैसे कि बहुत सीनियर प्लेयर हैं उनकी भी शादी हो रही है, वो अभी तक खेल रहे हैं 33-34 साल के भी, अभी 40-45 साल के भी खेल रहे हैं अभी, उनकी शादी हो रही
मेरे जोड़ तो बच्चे भी हो रहे उनके, वो भी खेल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा मतलब जैसे ये होता है कि भी घर बार की जिम्मेदारी भी कंधे पर आ जावे है, तो ऐसा बैलेंस करने में कोई परेशानी नहीं, नहीं होती। वो बैलेंस करेगा तो उसको फिर खेल में मजा नहीं आएगा ना, अपने जो है वहाँ घर पे छोड़ जाए, फैमिली को बता जाए मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं परेशानी उठाऊंगा तो खेलना कैसे जाएगा उसको। अभी फिलहाल आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा, छोटा भाई है, वाइफ है। जी, तो एक अलग से अनुभूति होती होगी जब घर वाले, जैसे स्टार्टिंग में किसान के परिवार से आप इतने बड़े मैदान तक पहुंचे हो, एक मिट्टी से खेलना शुरुआत करके और एक मैट वाली उस तक इतनी बड़ी बड़ी चैंपियनशिप तक आग पहुंचे हो, तो आपको कुछ बदलाव ऐसा लगा कि भाई जब गांव में अपने मिट्टी में खेला करते, अरे मैट वाली उसमें खेला, कुछ खेल में कुछ थोड़ा बहुत ऐसा चेंज लगता हो? जैसे मिट्टी में खेल के कुछ जाता है ना, उसमें मैट पे खेलता है तो न्यारी वो स्पीड आती है उससे। अच्छा, मिट्टी में तो इतनी मिट्टी में खेलते हैं जितनी भी खेलते हैं तो वहाँ से स्पीड कम हो जाती है, और वहाँ मैट पे जा खेलते हैं वहाँ स्पीड ज़्यादा होती है जी, तो यही फर्क है। एक और सवाल आपसे प्रदीप जी की, जैसे एक शुरुआती दौर में जब आपने कबड्डी खेलनी शुरू की तो बहुत सी बातें सुनने मिल दी होंगी गांव में, तभी घर आड़ा तभी तो, और आज के टाइम पे अब आप एक स्टार खिलाड़ी बन चुके हो, पूरे हरियाणा के पूरे देश के स्टार खिलाड़ियों में आपकी गिनती होती है, तो जब गांव में पिताजी जाते होंगे तो बताते होंगे कि भाई फलानी फलानी जगह जैसे बात चल रही हो, जाते हुए भी कहते हो भाई प्रदीप के पिताजी जान लाग रहे हैं, तो एक गर्व की अनुभूति तो होती होगी? हाँ बिल्कुल होती है भाई, क्योंकि जैसे गाँव में बहुत दूर दूर से मिलने भी आते हैं, कई पता लग जाता भाई इसके पापा जी, वो तो वो था भाई, प्राउड मोमेंट होता बिल्कुल होता भाई। आपका नाम रोशन? हाँ गांव में घर पे आते हैं भैया, कोई ना कोई तो जरूर आता है, एक दिन में दो दिन में आ लेता कभी कभी जी जी। तो एक और सवाल कि जैसे जो फिल अपने गांव गुआंडा में पंचायत के जो मैच हुए हैं अपने हरियाणा में, जिस तरीके का मैच हुए हैं या जिस तरीके की ऑडियंस अपने आड़े मिले है, पूरा खिलाड़ी का एक ही साथ दोनों कह सके कि पूरा जोरदार तरीके से उत्साह बढ़ा हुआ है, बढ़िया तरीके से पूरी उसमें खेलने में ज़्यादा स्वाद आवा है, बिच्चू कर देखो जब अपना नाम गुंजाया, फिर जब जैसे आप प्रो कबड्डी में वहाँ पे खेलते हो तो वहाँ पे आपकी जो ऑडियंस ज़्यादा उत्साहवर्धन करते भैया, वहाँ जैसे कि हम दूर दूर पब्लिक हो जाती है वहाँ सुनता नहीं। अच्छा। जैसे गाँव में टूर्नामेंट होती है ये तो सोचती है कि हमारे जैसे कोई रेड जा रहा है प्रो से उठ के, उसे कैच लग जाती है तो वो सोचते हैं यार प्रो कबड्डी वाले बच्चों ने कैच मारी, तो उनका नीचे वाले का हौसला करते हैं, करना भी चाहिए उन्हें हौसला क्योंकि वो आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका शुरुआती दौर से पढ़ाई में क्या कुछ इंटरेस्ट रहा है? पढ़ाई पढ़ू में कुछ नहीं रहा भैया, पढ़ाई में बस जाते थे कि नाम नाम गाई जाते थे बस। तो अभी फिलहाल आपकी क्या एजुकेशन चल रही है? मैंने बीए कर रखी है, एमए में दाखिला ले रखा है। एमए में एडमिशन ले रखा है। तो फिलहाल आप किसी पोस्ट पे हो? हाँ मैं इनकम टैक्स में हूँ। इनकम टैक्स में। तो जैसे प्रदीप जी कोरोना की वजह से लगभग सारे काम धंधे अपने ठपे रहे हैं, तो बहुत प्रभावित हुआ है खेल, तो आपका खेल भी प्रभावित हुआ है क्योंकि प्रैक्टिस खिलाड़ी का तो रोजाना का प्रैक्टिस का काम है, निरंतर अभ्यास करेगा तो खेल में निखार आंदा रहेगा, तो कुछ आपकी प्रैक्टिस भी प्रभावित हुई होगी? प्रैक्टिस वो बिल्कुल हुआ है क्योंकि हमारी प्रो कबड्डी देख दो आप में आपके भी नीचे चली जाती है, प्रो कबड्डी भी हो जाती है हमारी, बहुत बच्चों को और भी मौका मिलता किसी नए प्लेयर को जाने को, बहुत ही वो है अब यार लॉस तो होता ही कबड्डी में। फिटनेस का कैसे ध्यान रखा कोरोना फिटनेस का? सारे सौदा बंद था, जिम जाम सब। हाँ जैसे कि अपने घर पे छत पे जाए कर ले फिटनेस थोड़ी बहुत सी, ज़्यादा तो नहीं हो पाती, फिर लॉकडाउन धीरे धीरे खुलता रहा उसी साथ साथ अपने अकेले अकेले प्रैक्टिस करते रहे। जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हो तो आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क आपको लगता है कि जो बाहर के खिलाड़ी हैं जो अपने खिलाड़ी हैं उनकी फिटनेस में कोई फ़र्क हो या टेक्निक में कोई फ़र्क हो? नहीं टेक्निक में कोई फ़र्क नहीं, फिटनेस में ज़्यादा फ़र्क होता है, जैसे कि वो ज्यादा फिट अपने से ज्यादा फिट है। तो कोई आपका ऐसा पसंदीदा खिलाड़ी हो बाहर का अंतर्राष्ट्रीय? हाँ जैसे कि जैन कुंडली है, विराट शेख है, दो तीन तीन चार प्लेयर हैं हाँ जिनका खेल आपको पसंद आता है? हाँ बिल्कुल भाई अच्छे खेलते हैं, तो सभी को आता है अच्छे खेल, तो अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज का जो हमारा इंटरव्यू था बहुत ही खास इंटरव्यू था, क्योंकि आज हमने आपको परिचित करवाया अपने देश के डुबकी किंग से, जिन्हें डुबकी किंग के नाम से जाना जाता है, प्रदीप नरवाल जी से, और जिन्होंने अपने खेल के बारे में बताया और अपनी एक जर्नी के बारे में बताया कि भाई कैसे एक किसान के परिवार से इन्होंने कबड्डी की शुरुआत की और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दमखम दिखा रहे हैं और अपने देश का, अपने गांव का, अपने हरियाणा का और अपने देश का नाम चमका रहे हैं। तो इसी तरीके के इंटरव्यू देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे कबड्डी के सितारों से, खेल जगत के
सितारों से, और इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपने प्रदेश के डुबकी किंग को जो लोग खेल के क्षेत्र से नहीं भी जुड़े हुए हैं वो भी जानें और देखें कि किस तरीके से हमारे देश के खिलाड़ी, हमारे प्रदेश के खिलाड़ी, अपने हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी अपने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमका रहे हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।